अभी जो आपने ये वीडियो देखा ये आप भी ट्राई कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको शूट करना है एंड कैसे आपको इसको एडिट करना है। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ अपना सोनी A7R3 विद ट्राइपॉड। ट्राइपॉड इसलिए क्योंकि अपना जो कैमरा है वो जगह से हिलना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे मैं ये ट्यूबलाइट यूज कर रहा हूँ एंड इसके ऊपर थोड़ा सा जुगाड़ यूज कर रहा हूँ, मतलब पीछे साइड स्टिक चिपका रहा हूँ, क्योंकि जो लाइट ट्रेल से इससे बहुत इजीली बन जाएंगी, हाथ से उतना अच्छे से जमेगा नहीं। एंड मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी सोनी A7S2 है विद GM वेबबिल जिम्बल के साथ। तो यहाँ पे हो गई ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस शूट पे। एंड हाँ, यहाँ पे जो मेरा टेबल है वो उस पर कुछ भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस ब्लैक कपड़ा बिछा के रख दिया। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपको अपने कैमरे की सेटिंग्स क्या रखनी है। आपको अपना शटर स्पीड 1:4 रखना है, ISO अपने हिसाब से रख देना है, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ 2000। एंड अपर्चर भी सेम है 22, जो कि मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख देना। तो यहाँ पे मैं टोटल 5 अटेम्प्ट करने वाला हूँ। इन पांचों अटेम्प्ट में मैं अलग अलग कलर्स का यूज़ करने वाला हूँ एंड अलग अलग डिज़ाइन का। सो ये इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट एंड फिफ्थ अटेम्प्ट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको एडिट कैसे करना है। तो अभी जंप करते हैं अपने प्रीमियर प्रो में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अपनी पूरी वीडियोस इंपोर्ट कर लिया हूँ, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड वाइट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ग्रीन से। ग्रीन को मैं डाल देता हूँ टाइमलाइन में। एंड आपको अपनी पूरी इस वीडियो ना एक के ऊपर एक रखनी है, एक के बाजू में एक नहीं रखनी है। तो यहाँ पे मेरा जो ग्रीन है उसको रख दिया हूँ, फिर रेड, ब्लू एंड येलो। वाइट वाले को मैं लास्ट में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको बराबर कर देता हूँ पूरी लाइटिंग्स को। ओके, लाइटिंग्स को नहीं, पूरी वीडियोस को एक ये कर देता हूँ। अब आपको इन सारी वीडियोस की ओपेसिटी को कर देना है लाइटन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आधा वीडियो बन चुका है। ये देखो कैसा लग रहा है, आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। आधा ही वीडियो हुआ है यार, आधा क्या, आधे से ज़्यादा भी हो चुका है। तो यहाँ पे अभी अपन कर लेते हैं इसको नेक्स्ट। ओके, अब इनको इनकी स्पीड बढ़ा देते हैं टोटल 250। इसको कर देते अपन रेंडर। इसलिए क्योंकि जो ये आप रेड पट्टी देख पा रहे हो इसके कारण थोड़ा सा भारी चलता है, रेंडर करने से बहुत इजी चलता है। जैसे आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसी को मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट करूँगा, 3 इसमें डुप्लीकेट करूँगा, सो 1, 2, 3। एंड बीच वाले को मैं कर दूँगा, उसकी स्पीड को मैं रिवर्स कर दूँगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना वीडियो तैयार है। इसको वापस से रेंडर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे रेंडिंग हो चुका है एंड अपनी वीडियो तैयार है यार। एंड जो अपनी लास्ट वीडियो थी, जो कि मैंने बोला था आपको लास्ट में डालनी है, लास्ट में इसलिए क्योंकि एंड भी तो रहना चाहिए ना शॉट का, अच्छा भी लगना चाहिए। तो एक तरीके का रिवील शॉट समझ लो इसको, जो कि हो गया। बस सिंपली आपकी वीडियो यहाँ पे तैयार। तो इसको अभी प्ले करते हैं, रुको, इसको फुल स्क्रीन में। सो यहाँ पे हमारी वीडियो एडिट करके हो चुकी है। एंड ये ऐसी आपको पूरा आपको एडिट करना है अपनी वीडियो को। अब आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज लाइक कर देना, ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझसे कुछ गलती हो गई हो या आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज मेरे को कमेंट डाउन में पूछ लेना। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। चलो बाय।